वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको इकाई अंक निकालने की एक ट्रिक बताने वाले हैं। दोस्तों बताऊंगा तो मैं आपको दो ट्रिक, परंतु एक ही ट्रिक से सारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इकाई अंक निकालने के लिए आपको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे रूल बताए होंगे कि इन रूलों को याद रखिए तो आप इकाई का अंक आसानी से निकाल पाएंगे, परंतु दोस्तों मैं आपको सिर्फ दो रूल बताऊंगा। पहला रूल है, यदि संख्या का इकाई अंक 0, 1 या 5, 6 रहता है तो उसकी घात कितनी भी हो उसका इकाई अंक यही रहेगा। अंक 0, 1, 5 या 6 वही रहेगा। तो दोस्तों एक प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ पर दिया है 3, 5, 6, 5 की पावर 2, 3, 7। तो दोस्तों इसका इकाई अंक देख रहे हैं हम 5 है, तो इसका किसी भी स्थिति में इकाई अंक 5 ही रहेगा। इसी प्रकार से दोस्तों यदि आखिरी में 0, 1 या 5, 6 आता है तो दोस्तों उसका इकाई अंक वही रहेगा। अब एक और ट्रिक दोस्तों मैं बताऊंगा आपको। जैसे मान के चलिए एक संख्या ले लेते हैं हम 4, 3, 1, 7 की पावर 1, 7, 3। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले घात देखते हैं और उसका इकाई अंक देखते हैं। यदि ये संख्या जो आखिरी की ये संख्या दी है ये सम संख्या है और यदि विषम संख्या है, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं ये विषम संख्या है तो ये जो इकाई अंक है जो संख्या का ये सीधा के सीधा यही लिख देंगे हम, यही इसका इकाई अंक होगा। और दोस्तों यदि किसी स्थिति में ये संख्या सम होती है, एक और प्रश्न देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये घात का इकाई अंक सम संख्या है तो इस स्थिति में जो इकाई अंक दिया है इसका हम वर्ग कर देंगे, 7 का वर्ग कर देंगे 4, 9। इसका इकाई अंक क्या आया? 9। इस स्थिति में इसका इकाई अंक ये कहलाएगा 9। तो दोस्तों आइए देखते हैं, कुछ प्रश्नों को करके देखते हैं, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मेरे पास एक प्रश्न है, 3, 5, 4, 7 की पावर 1, 5, 3 × 5, 6, 1 की पावर 1, 7, 2। अब इसमें दोस्तों ये वाली जो ट्रिक है हमारी पहली वाली ट्रिक वो तो लगने दी, क्योंकि इसका इकाई अंक भी 0, 1, 5, 6 में से है नहीं और इसमें ये ट्रिक लग रही है इस वाले में, तो इसका इकाई अंक हम सीधा उठा के 1 लिख देंगे, परंतु इसमें नहीं लग रही। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, हमारी दूसरी वाली ट्रिक जो यहाँ पर मैंने बताई थी वो लगाएंगे। तो इसकी घात का इकाई अंक हम देखेंगे क्या है, ये एक विषम संख्या है तो सीधा उठा के 7 का 7 लिख देंगे, उसका गुणा कर देंगे, इसका आंसर 7 आ जाएगा। है ना दोस्तों, बहुत आसान। अब एक और प्रश्न करके देखते हैं, 7 की पावर 6, 5 की पावर 4, 1, 3 की पावर 5, 7। अब दोस्तों इसमें हम पहले हमारी पहली वाली ट्रिक लगाते हैं, कोई भी इकाई अंक 0, 1, 5, 6 नहीं है तो हम इसमें अपनी दूसरी ट्रिक लगाएंगे, 7 की घात जो दी है उसका इकाई अंक क्या है, विषम संख्या है तो सीधा 7 के 7 लिख देंगे, 6 की घात दी उसका भी इकाई अंक क्या है, विषम संख्या है तो सीधा 6 के 6 लिख देंगे, और 3 की घात जो दी है उसका भी इकाई अंक क्या है, विषम संख्या है तो 3 का 3 लिख देंगे, इस तीनों को गुणा कर देंगे, 6, 42 × 3 × 6 = 12, ये इकाई अंक आ गया इसका 6। उम्मीद है दोस्तों आपको ट्रिक पसंद आई होगी। धन्यवाद।